और नीतीश बाबू जितना सब जो आजकल खेल सकते उसी को लेकर के जब बड़बड़ाए हुए भाजपा में तो ऐसे ही कोहराम मचा हुआ, समझ नहीं रहा जितना सीनियर नेता है सब घर को देख रहे हैं जहां लोकतंत्र नहीं है बताने के लिए शिवसेना के दरबार में गए। देश में मुद्दा तो नीतीश बाबू से पूछना दो चीज चाहते हैं कि काम शिवसेना मन की बात है कि नहीं है चलता है हम मन की बात कर रहा है। ऐसे कई मुख्यमंत्री आपको मिलेंगे बकरी के दूध पिलाने से पहलवान होकर कहेंगे आगे के दिनों में मुस्तफापुर में वोट मिलेगा जहां से नीतीश बाबू को आधा बात तो याद भी नहीं होगा 1-2-1 आजकल कर रहे हैं। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार शॉर्ट्स देख रहे हैं। आज बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आरसीपी सिंह का बीजेपी में स्वागत किया, कहा बिहार के उभरते हुए नेता है आरसीपी सिंह। और बीजेपी में स्वागत करने के बाद उन्होंने कहा कि बिहार में इनकी और भी ज्यादा तरक्की होगी। साथ ही साथ नीतीश कुमार के विपक्षी एकजुटता पर भी खूब बरसे, कहा नवीन पटनायक से मुलाकात करने के लिए गए थे, यहां तो बोलकर गए कि राजनीतिक बात करने जा रहे हैं, लेकिन उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके बता दिया कि किसी भी तरीके की राजनीतिक बात नहीं हुई है। सबसे पहले इस वीडियो में आप देखिए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। स्वागत करते हैं कि आज रामचंद्र प्रसाद सिंह जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण किया है, पूरा बिहार यूनिट उनका पूरी तरह स्वागत करता है। बिहार के एक मजबूत नेता के तौर पर वो उभरे हैं, बिहार में और मजबूती मिलेगी। और नीतीश बाबू जो आजकल घूम रहे हैं चाय नाश्ते पे, तो चाय नाश्ता करते रहे कोई दिक्कत नहीं, बिहार तो संभल नहीं रहा, क्योंकि वो जिन जिन घर पे जा रहे हैं तो राजा वाली पार्टी में जा रहे हैं, क्योंकि उनके साथ एक युवराज घूम रहे हैं, तो वही घर वो देख रहे हैं जहां लोकतंत्र नहीं है। अभी शिवसेना के दरबार में गए तो हम तो नीतीश बाबू से पूछना दो चीज चाहते हैं कि अब शिवसेना सांप्रदायिक है कि नहीं है, और बिहारी को पूरे बिहारी समाज को पिटवाने वाला शिवसेना के हाँ यदि कोई नेता जा रहा है तो इन तो उनको बताना पड़ेगा ना बिहार आकर कि राज दरबार में बैठ कर आ रहे हैं। पोल तो खुल गया इनका उड़ीसा में, ये कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ राजनीतिक बात करने के लिए, लेकिन वहां जाने के बाद वहां के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा हमसे कोई राजनीतिक बात नहीं है। ऐसे कई मुख्यमंत्री आपको मिलेंगे जो ये बाहर आकर कहेंगे आगे के दिनों में, क्योंकि नीतीश बाबू को आधा बात तो याद भी नहीं होगा, 1-2-1 आजकल कर रहे हैं, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री 1-2-1 मिले, वो यदि ट्वीट नहीं करते तो नीतीश जी बाहर में तो झूठ प्लान करते, हमसे तो बात हो गई उड़ीसा के मुख्यमंत्री का, क्योंकि उनके जो सिपा सलार हैं उनको तो खाना भी नसीब नहीं हुआ बेचारे को, समझिए यहाँ से गए थे पूरा बंडी बंडी पहन कर, उनको तो गेट के बाहर उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। तो आज देश की स्थिति यही है, ये केजरीवाल जी के यहाँ भी गए होंगे, राहुल गांधी जी के यहाँ भी हमको दिल्ली में पता चला कि सबको बाहर कर दिया था, कि सबको मिलने मिलने नहीं दिया था, नीतीश कुमार जी को भी लालू जी के पैरवी पे मिलने दिया, लालू जी उनके भरोसे बंद है, नीतीश कुमार जी को इसलिए साथ में ले जाना पड़ता है तेजस्वी जी को कि सब पूछ रहा है कि आधा बतवा भूल जाएंगे मेमोरी लॉस सीएम, और दूसरी बात कि ये कब पलटी किधर मार देंगे इसका भी कोई गारंटी नहीं, ये बात सब समझ रहा है। इसलिए देश के नेता लोग भी समझ रहे हैं, हम यही आग्रह करेंगे आपके। तो आपने देखा किस तरीके से सम्राट चौधरी ने आरसीपी सिंह का बीजेपी में स्वागत किया, साथ ही साथ कहा कि बिहार के उभरते हुए नेता है, और नीतीश कुमार के विपक्षी एकजुटता पर भी खूब बरसे, कहा जिस तरीके से नीतीश कुमार अभी जगह जगह पे घूम रहे चाय नाश्ते पर जा रहे हैं लेकिन कोई पूछने वाला तो नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष के जिन बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं वह सिर्फ लालू के कहने पे मिल रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के जो नेता है वह भी जानते हैं कि नीतीश कुमार कब कहां पलटी मार जाए यह किसी को पता नहीं, और तेजस्वी यादव को भी इसीलिए साथ में लेकर घूमना पड़ता है। नवीन पटनायक ने भी ट्वीट करके बता दिया कि किसी भी तरीके की राजनीतिक बात नहीं हुई थी, लेकिन सम्राट चौधरी ने कहा अगर वो ट्वीट नहीं करते तो नीतीश कुमार बाहर में आकर सिर्फ झूठ बोलते, क्योंकि नीतीश कुमार का यही काम है। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। इस तरह की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।